प्यारे दोस्तों, अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। जय माता दी। दोस्तों, हम बताने जा रहे हैं आपको कि आ रहा है होली का पवित्र त्योहार। 1 मार्च गुरुवार, याद कर लें दोस्तों, यह सुनहरी अवसर है आपके लिए, इसको हाथ से ना जाने दें। बहुत से साधक लोग इस दिन की साल भर से प्रतीक्षा करते रहते हैं, बताएंगे क्यों। दोस्तों, इस दिन मंत्र और यंत्रों में फूंकी जाती है जान। कैसे जान आती है उनमें, इसके बारे में भी बताएंगे और आप इस दिन क्या कर सकते हैं, आप इसे ध्यान से सुन लीजिए। दोस्तों, होली के त्योहार के दिन ही ऐसा क्यों होता है और होली का त्योहार क्यों मनाया जाता है? दोस्तों, हिरण्यकश्यप नाम के एक राजा हुए जो कि अपने से बड़ा किसी को नहीं मानते थे, अपने आप को ही भगवान मानते थे। लेकिन एक समस्या थी, उनके घर में ही उनका पुत्र प्रहलाद उनको भगवान मानने के लिए तैयार नहीं था और वे भगवान विष्णु की पूजा किया करते थे। बस दोस्तों, यहीं से शुरू हुआ हिरण्यकश्यप के लिए एक आफत का रोग। उन्होंने अपने पुत्र को अनेक प्रकार की यातनाएं देना शुरू कर दिया और जब यातनाओं से भी उन पर कोई असर नहीं हुआ, तब उन्होंने उसको मारने का निश्चय कर लिया। इसके लिए उन्होंने चुना अपनी बहन होलिका को। होलिका को वरदान प्राप्त था कि वे अग्नि में जलती नहीं हैं और होलिका से कहा कि मेरे पुत्र प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाओ। बस दोस्तों, फिर क्या हुआ? फिर चमत्कार हुआ, जिन्हें वरदान प्राप्त था कि अग्नि में नहीं जलेंगी, वे तो अग्नि में जल गई और प्रहलाद सुरक्षित जीवित अग्नि से बाहर आ गए। बस दोस्तों, उस समय पर सबसे बड़ी बाधा थी प्रहलाद के जीवन के लिए कौन? होलिका। और उस बाधा का जब अंत हुआ, तभी से इसे बाधा को दूर करने का एक त्योहार के रूप में माना जाने लगा और इसे एक पवित्र त्योहार माना जाने लगा। तभी से साधक लोग धीरे धीरे करके इस दिन अपने मंत्र और यंत्रों को कार्य रत रूप देकर साकार रूप देने लग गए। और दोस्तों, तभी से मैंने जैसे आपको बताया कि एक ही समय पर कोई मंत्र बार बार किया जाता है तो शक्तियां आनी शुरू हो जाती है, इसी प्रकार से जब होली के दिन बार बार इस प्रकार से अभ्यास किया गया कि मंत्र और यंत्रों को सिद्ध करने का, तो इस दिन विशेष रूप से यह बाधा निवारक जो शक्तियां हैं वो आने लग गई और इस दिन का विशेष उपयोग रहने लगा किसी भी बाधा को दूर करने के लिए, मंत्र और यंत्र सिद्ध करने के लिए। तो दोस्तों, इस सुनहरी अवसर को आप भी हाथ से ना जाने दें। कोई भी आपके रह गए हैं अधूरे मंत्र या किसी भी प्रकार के आपने मंत्र सिद्ध भी कर लिए हैं, उनको यदि आपसे आप उनको दोबारा से फिर कर लेते हैं तो उनमें बेहद जान आ जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि मंत्र और यंत्रों को आप इस समय पर इसमें जान फूंक सकते हैं। इसका समय बताते हैं हम आपको, 1 मार्च गुरुवार 2018 जो अभी अभी आने वाला है, उस दिन रात्रि 12:02 तक। इस समय को नोट कर लेना दोस्तों,
यानी एक तारीख की रात्रि 12:02 तक आप जो भी कार्य करेंगे, जो भी जहां तक हो सके दोस्तों, बाधा निवारक मंत्रों को लेना है यहाँ पर। यहाँ पर जो बाधा निवारक यंत्र या मंत्र किसी भी प्रकार के लिए जाएंगे, उनमें इस प्रकार की जान आ जाएगी कि वे तुरंत कार्य करने लगते हैं। इसी प्रकार से साधक लोग इस दिन का इंतजार करते हैं और अपने पूरे साल भर का कार्य इस दिन करके उन्हें साल भर उपयोग में लाते हैं। दोस्तों, आप भी करेंगे तो आप इसका पूर्ण लाभ उठाएंगे और एक चमत्कार के रूप में पाएंगे। विधि आप सबको पता ही रहती है, बस संकल्प करके यह कार्य करना है और इसका पूर्ण लाभ उठाना है। इससे अगले दिन ही पड़ रहा है अग्नि का वास। दोस्तों, बस इस बात का ध्यान दे लेना, उस अगले दिन यानी 2 मार्च को आप एक छोटा सा हवन करें। जो कार्य आपने किया है उन मंत्रों की अधिक से अधिक आहुतियां दें, और यंत्र तैयार किया है तो उस यंत्र को उन मंत्रों की आहुति देने के पश्चात 21 बार उस यज्ञ के ऊपर से घुमा लें। आप अपना कार्य पूर्ण हुआ समझें। बस दोस्तों, कैसा लगता है आपको अपना यह प्रोग्राम? यदि आपको पसंद आता है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अधिक जानकारी के लिए आप अपनी वेबसाइट की विजिट कर सकते हैं, www.ultimategyan.com। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले अंक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।